गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं आज बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने जल्दी एडिट कर लिया तो मैं जल्दी सो गई। तो सो गई थी मैं शायद 12:30 बजे तक, और ये मैडम 2 बजे उठ के बैठ गई, और 2 बजे के बाद ये जस्ट अभी सोई थी, देखिए ये फिर उठ गई है क्योंकि मैं बना के लाई हूँ चाय अपने लिए, और इसकी नज़र है अब चाय पे। इसको अब ये है कि भाई चाय आई है तो मैं ये चाय पीऊँ। मैं जब तक बाहर थी तब तक ये मज़े से सो रही थी, और जैसे ही मैं चाय बना के लाई हूँ और ये उठ के बैठ गई है, इसको खुशबू आ गई चाय की। बहुत खाने की शौकीन है। मैं बड़े तसल्ली से चाय बना के लाई थी कि मैं फटाफट से पी के और मैं भी सोती हूँ, क्योंकि नींद ही नहीं आ रही अब मुझे। एक बार टूट गई ना नींद, 1.5 घंटा सोई थी तो टूट गई नींद। अब फिर मुझे आ नहीं रही थी नींद, मैं मफलर बनाने में लगी हुई थी, तो मैंने सोचा चलिए चाय पी लेते हैं सुबह सुबह की, फिर उसके बाद लेटेंगे आराम से और फिर नींद आ गई तो सो जाऊंगी। बट लीजिए, आपसे बात करते करते मैं, ये मैडम उठ गई है, अब इसको वापस से सुलाऊंगी और उसके बाद फिर पता नहीं मुझे नींद आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि आप मेरा चेहरा देख सकते हो, कहीं नींद का कोई नामो निशान नहीं है, कहीं आँखों में नींद ही नहीं है। क्या होगा मेरा, कैसे सोऊंगी, कैसे उठूंगी, क्या करूंगी? सुबह संडे है, और पता क्या, कई कई महीने हो गए जब से दिया की जॉब ये वाली लगी है ना, संडे संडे जैसा लगता ही नहीं है। नहीं तो हर संडे को हमारे यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ बनती थी बचपन से, मतलब मम्मी पापा के घर में भी यही देखा है, ओके संडे आ रहा है, संडे को क्या नाश्ता करना है, मतलब नाश्ता स्पेशल होना चाहिए संडे को। और वही मेरे साथ था यहाँ पे, क्योंकि बचपन से आदत थी तो मैंने बच्चों को भी आदत पड़ गई, तो वो पहले से ही डिसाइड होने लग जाता था, 2 दिन पहले से शुरू हो जाते थे, संडे आ रहा है संडे को नाश्ते में क्या बनाओगे मम्मी, संडे को पूड़ी आलू, संडे को गोभी के पराठे, संडे को मूली के पराठे, मतलब पहले ही डिसाइड कर लेते थे। अब तो संडे संडे जैसा लगता ही नहीं है, क्योंकि लेट तक सोना, फिर उठना, तब तक एक बच्चा कहीं है, एक बच्चा कहीं है, हस्बैंड कहीं और है, कुछ पता नहीं चलता संडे है, सारे दिन एक जैसे हो गए। चलिए अब इसको मैडम को पहले मैं नीचे उतारूंगी ताकि अपने गद्दे पे लेटे, नहीं तो ये चाय नहीं पीने देगी मुझे। देखो बाकी लेट गई गोद में, चला के आई, कोई ना कोई उठेगा, टंकी भर गई, इसको लेके तो नहीं जा सकती और चाय के साथ छोड़ के नहीं जा सकती। चलिए देखती हूँ कोई उठता है तो। 4:30 हो रहे हैं और इस लड़की को देखो पूरी नींद खुल चुकी है। इसको मैंने पनीर भी खिला दिया, मैं अंदर ही ले आई थी इसका डोना, पहले ही ले आई थी इसको पेडिग्री जब खिलाया था, बट अब इसको पनीर भी खिलाया क्योंकि ये मेरे को चाय नहीं पीने दे रही थी। और इसने पता क्या किया, इसने सिर मारा है मेरे मुंह पे बहुत ज़ोर से। देखो अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे स्वेलिंग आ गई है सारे में, अंदर का मसूड़ा जो 2 दांत टूटे हुए थे मसूड़ा पूरा सूज गया है और मुझे पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, बट मैं क्या ही करूँ। ये देखो आफ्ती, देखो उधर से गई है इधर से निकली है, इसको अभी भी लग रहा है कि मेरे पास कुछ खाने को पड़ा है और मैं इसको दे दूँ। बताओ इतनी शैतान, इतना शैतान बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। कोको भी इतना शैतान नहीं था, उसको भी हमने पाला है पर वो इतना शैतान नहीं था। ये बहुत ज़्यादा शैतान है, पता नहीं कहाँ से आ गई हमारे घर में। अब ये फ़िलहाल तो अभी तो ये देखो ये सूज गया सारा यहाँ पे होठ, तो अब देखो सुबह क्या होता है। और कल तो संडे है, कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा, और अंदर पूरा मसूड़ा जो है वो सूज गया है, समझ नहीं आ रहा मुझे। एक बीमारी हटती नहीं है, दूसरी और आ जाती है, हमें तो वैसे ही दांत बहुत कमज़ोर है। वो देखो उसको नीचे उतरना है। दोपहर के 2 बज चुके हैं, पूरे 12 घंटे हो गए हैं मुझे लिटरली बैठे हुए। नींद आती है, झपकी लेने लगती हूँ, फिर ये मैडम उठ जाती है। देखो अब मैं उठी हुई हूँ तो ये सो गई है बोली, और वो भी इसको इसका इसका डर दिखा के, किचन से लेके आई हूँ इसका डर दिखा के इसको सुलाया, वरना पता नहीं क्या हुआ है इसको, इतनी एनर्जी भागे जा रही है इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से। अभी विनीता बस काम करके गई है, मैंने मशीन ऑलरेडी लगा रखी थी, बीच में वो आ गई। आजकल वो भी मैडम मेस मार रही है, सर्दियाँ है ना तो सुबह जल्दी उठा नहीं जाता, और उसकी 2 साल की बेटी है तो उसकी भी टेक केयर करनी होती है, कई बार उसकी मदर है वैसे तो पास में, कई बार वो नहीं होती हैं तो इसको खुद को देखना पड़ता है। अब बस समृद्ध गया खेलने, पापा गए ऑफिस, आज फिर मैं कहीं नहीं निकल पा रही हूँ क्योंकि दोनों बच्चों को मुझे देखना है। कोको भी आज पता नहीं अजीब से ही मूड में है, थोड़ा चिड़चिड़ा भी है और थोड़ा सा ना कॉन्शियस भी हो रहा है, पता नहीं समझ नहीं आ रहा मुझे, शायद दिया को मिस कर रहा है। दिया आई नहीं है ना, रोज का रूटीन है दिया का कि वो 10-11 बजे तक आ जाती है और आज आई नहीं है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा हो सकता है कि उसको अलग फील हो रहा हो। मैंने सोचा था कि आज मैं इनके साथ जाके और ऊन ले आती हूँ क्योंकि समृद्ध 1 घंटा इनको संभाल लेगा, बट फिर वही हुआ कि इनको ऑफिस जाना पड़ गया, मेरा ऊन का प्लान फिर कैंसिल हो गया। इवन विनीता मेरे ऊपर हंसने लग गई, कह रही भाभी मैं आपसे ना 3 हफ्ते से सुन रही हूँ मैं ऊन लेने जा रही हूँ, ऊन लेने जा रही हूँ, जाती हो नहीं। और अभी मैंने बस ये बैग क्लीन किया तो देखिए सबका सामान, ये इसकी ऊन ख़त्म हो गई तो इसके बूट नहीं बन पाए, ग्लव्स और कैप तो बनी पड़ी है, ये रे ग्लव्स और कैप बनी पड़ी है,
ये जो कान्हा जी की ड्रेसेस मैंने बनाई थी, ये शॉल बनाई थी, ये जो मेरी भाभी का सेट है, वो भाई आ नहीं पाया तो वो कह रहा था दीदी पोर्टर पोर्टर करवा देना, वो नहीं करवा पाई हूँ। ये जो मेरी देवरानी के कान्हा जी हैं उनकी ड्रेस है, ये भी नहीं अभी तक मैं भेज पाई हूँ। ये दिया का सेट है देखिए, ये ग्लव्स, ये कैप और ये मफलर। तो अभी ये मफलर तो कंप्लीट होने में टाइम है, बस इन्हीं चीज़ों में सुबह से लगी हुई हूँ। देखा अभी भी मैं उबासियाँ ले रही हूँ, नींद आ रही है इतनी ज़बरदस्त, पर लेटने को नहीं मिल रहा। नाश्ता भी नहीं किया गया, 2 मूली के पराठे बनाए मैंने अपने लिए, पर एक ही खाया गया, एक रखा हुआ है कि दोबारा भूख लगेगी तो खाऊंगी। जब ये सोती है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि चलो मैं भी आधा एक घंटा सो जाती हूँ, बट फिर कोई ना कोई आ जाता है या कोई चला जाता है, फिर बार बार गेट खोलने जाओ बंद करने जाओ। अभी भी समृद्ध गया, मैंने कहा चल ठीक है ये सो रही है तो मैं भी सो, नहीं मम्मी सोना मत मैं निकल रहा हूँ। अभी तो बड़ा मज़ा आया, पता क्या हुआ, ये बेड से कूद के बाहर भाग गई और विनीता लगा रही थी पोछा, तो कोको भी इसके पीछे पीछे और ये आगे आगे। अब कोको को तो किसी तरीके हमने डांट के बेड पे रोक लिया समृद्ध के पास, और ये तो हाथ में ही ना आया, उधर से समृद्ध इसको पकड़ रहा है, इधर हॉल में उसको विनीता पकड़ रही और इधर मेरे कमरे में से मैं पकड़ रही, और ये किसी के भी हाथ में नहीं आ रही थी, इतनी तेज तेज भाग रही थी। विनीता कहती तौबा ये क्या है पिद्दी सी, भाग भाग के पूरा तूफान मचा रखा है इसने। फिर 2 बार उसको बेचारी को पूरे घर में पोछा लगाना पड़ा। क्या करें, हैं बच्चा भाई क्या कर सकते हैं। चलिए मेरी मशीन की आवाज़ आ गई होगी आपको, मशीन हो चुकी है, तो मैं वाइपर वहाँ पे, मैंने पूछा नहीं लगवाया था आज, तो वहाँ पे वाइपर मारती हूँ। अभी मैंने खाली वुलन धोए हैं तो वुलन डालूंगी, उसके बाद फिर रात को मैं वापस से एक बार मशीन लगा दूंगी, क्योंकि अगर कल मुझे जाना है किसी से मिलने तो काम वाम अपने करके जाऊँगी। मेरे को ये नहीं चाहिए कि बाद में कोई काम रह गया हो और आप करके नहीं गए ऐसे कोई बोले, तो मैं करके जाऊँगी। चलिए बड़ी सारी बातें बकवासें कर ली मैंने, आती हूँ थोड़ी देर में। बड़ी देर बाद ये आए और मेरे सिर दर्द से फट रहा था, मैंने दोनों बच्चों को इनके पास छोड़ा और बोला कि थोड़ी देर संभालो तो मैं थोड़ी देर 1 घंटा एटलीस्ट सो सकूँ, और 10 मिनट भी नहीं हुए और उन दोनों के लड़ने की आवाज़ आ रही है। ये देखो 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 वो चिल्ला रहे, आप क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है ये देखो, क्या हो रहा है ये, तू काट रही है उसको गंदी बच्ची, नहीं आ जा आ चल नीचे उतर। और आपको मैंने बोला कि इन दोनों को संभालो, आप ये क्या कर रहे हो, तो चिकन चिकन कहाँ से आ गया है? अरे लेता हुआ गया, हाँ मैंने कहा तेरे को आराम देता हूँ ना। नहीं आराम तो मेरे को काहे का आराम, मैं तो खाती ही नहीं चिकन। अरे तो वैसे अब तेरे लिए तो सब्जी बनी हुई है ना। मेरे लिए कौन सी सब्जी है? अच्छा मैं वो भी बनाऊंगा तेरे लिए। क्या क्या दाल और वो जो पुलाव रात का रखा है वो कौन खाएगा? अरे हम खा लेंगे, हम रात के नहीं, तो अभी लास्ट वीक ही तो खाया था चिकन। क्यों मन करेगा आज ठंडा दीदी? देखो देखो लोगों ऑब्सेशन कि मेरे हाथ का चिकन ज्यादा बेटर है और तेरे हाथ का नहीं खाना है ना, यही दिखाना, यही दिखाना चाहते हो ना आप कि मेरा जो बनाया हुआ चिकन था वो आपके वाले चिकन से थोड़ा कम था। तो 1 हफ्ते में दोबारा मन कर जाता है जब, तो अगर मेरे हाथ का स्वाद लगा होता तो मुझे कहते कि मैं चिकन लेके आ रहा हूँ और तू बना दे, झूठ की दुकान है एक नंबर के। इनको उस दिन भी यही हो रहा था कि तूने दही ज्यादा डाल दिया है, नमक तेज लग रहा है, टमाटर कम नहीं है, तब भी यही कर रहे थे। इनको यही है कि अब ठीक है, सिखाने के बाद तो चीज अपने हाथ की ज्यादा बेटर लगती है ना, पूछने मत आना मेरे से अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। हाँ सेल्फ ऑब्सेस्ड। चलिए जी मैं चली अंदर, आप ये चिकन के चक्कर में ये 2 चिकन का चिकन मत बना देना, वो एक दूसरे को बड्डे जा रहे हैं ना। अच्छा फिर फायदा क्या हुआ, मैं आराम ही ना करूं, मतलब ये क्या मतलब होता है, मैंने आपको दिया किस लिए कि मैं घंटा भर सो जाऊं, आप अपने मजे लेने में लगे हुए हो, पीछे वाली आंखों से देख लेना। चोट आई हो मुझे पता है, मैं दरवाजा खुला ही छोड़ दिया, चिकन बनाने लग गया, मैं फिर नहीं सो पाऊंगी।
हेलो जी, 8 बजे के आसपास उठी हूँ मैं। बीच में थोड़ा सा उठी थी बट बिल्कुल नहीं उठा जा रहा था, बिल्कुल नहीं। नींद की ऐसी नशा चढ़ी हुई थी, इतनी नशा चढ़ी हुई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कौन क्या कर रहा है। मैं लिटरली बेहोश थी। 8 बजे प्रॉपर आँख खुली तो मैं उठी। हल्का हल्का सिर दर्द हो रहा था, दो ढाई घंटे सोई हूँ बट बहुत अच्छी नींद आई है। अभी भी थोड़ा हेडेक है बट हो जाएगा। रात को भी, अब ये खेल चुकी है ना काफ़ी, तो ये रात को सोएगी तो मुझे अच्छे से नींद आ जाएगी ना, तो ठीक हो जाएगा कल तक। कल जाना था किसी से मिलने बट मेरी हालत जो हो रही है, मुझे लग नहीं रहा मैं जा पाऊँगी। और एक तो ये जो दांत में पेन सा शुरू हो गया ना, वो और दिक्कत दे रहा है। बीमारी लेके थोड़ी किसी के घर जाते हैं। अभी बस मैंने इनसे रिक्वेस्ट की खाना थोड़ा बहुत टेस्ट करके, लेटे हुए थे अंदर दोनों को लेके, तो रिक्वेस्ट की चाय बना दो, तो इन्होंने मुझे चाय दी है अदरक लौंग वगैरह डाल के। और साथ में मैंने खाया है पुलाव, क्योंकि काफ़ी सारा रखा था और इन्होंने तो चिकन बना लिया ना, दोनों चिकन खा लेंगे चावल के साथ, प्लेन चावल बना के, तो पुलाव कहाँ कौन खाएगा। मैंने कहा थोड़ा सा तो दो, मैं कुछ तो डालूँ। सुबह से वही एक पराठी खाई हुई है। अब मैडम यहाँ आके इसको अंदर लिया है, वो वहाँ सो रही है, ऊपर ले नहीं सकती थी ना, खाना रखा हुआ था तो ये फिर चैन नहीं खाती, उसको वहाँ पे बंद किया। एक तो बसा नहीं खाते एक दूसरे का, उसको अंदर लाऊंगी तो वो भी पीछे पीछे आएगा। 1 मिनट को दरवाज़ा खुला रहेगा तो वो आएगा, तो ये भाग लेगी बाहर। बहुत दुखी कर रखा है इन दोनों की दोस्ती ने भी। तो देखते हैं क्या है आगे का, कुछ है कि नहीं है, क्योंकि समृद्ध अभी खेलने गया हुआ है, ये उधर बैठे हैं उसको लेके, मैं इसको लेके इधर बैठी हूँ, चाय पीती हूँ। चाय पी के थोड़ा देखती हूँ, रिफ़्रेश होती हूँ, तो शोर मच रहा है उधर, बैठा भी नहीं जा रहा मेरे से। दोनों भौंक रहे हैं और बीच में सेमी भी भौंक रहा है। देखो ओहो, सारे घर के बत्ते जला। पता नहीं, एयरपोर्ट सारे डिस्कनेक्ट कर दो, मम्मी इसे लेके जाओ, कलेश नहीं खत्म कर दी वो जाते हैं। क्यों भौंक रहा है तू? इन दोनों के साथ बैठ के ज्यादा चौड़ा हो रहा है, हैं शरीफ, उसको दबा लेता है पूरा नीचे। अरे हाथ से रोकता है। हाँ, दोनों हाथ रख के तो काटती भी तो देखो, हाँ। कैसे जोर से काटती, देखो देखो दे, अभी भी भाई नहीं है बंदर, और सांप का मिक्सचर है कुछ कुछ तो है, ये कुत्ता नहीं है ये। मेरे बेटा कोका कोका कपड़ा है, इसे तो ऐसे धोना चाहिए। हाँ 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 हाँ, आज इसको स्टिक नहीं दिया आज, ये देखो स्टिक स्टिक चाहिए। चलो 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 स्टिक ले, चलो कहाँ पे है स्टिक बताओ, आ जा आ जा, आजा चल, आओ आओ स्टिक दो, आजा कोको स्टिक। वो देखो, वो पहले भाग के आया, ये आ गई, देखो देखो बुलाया मैंने, देखो कुछ नहीं मिलेगा, ये कोको की है, ये कोको की है। चलो चलो पीछे 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 पीछे, हाँ आपकी 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 आपकी, नीचे मत फेंकना, देखो देखो वो देखो खुश होगी। और ये चलो खोपड़ी, इसको पता चल गया कुछ मिला उसे, मैं बच्चा मैं शोना गुड बॉय, ये लड़की लड़की लड़की, चलो चलो उधर, आपको नहीं मिलेगा। इनकी सब्जी का लुक नहीं देखा, इनकी भी रेसिपी मतलब सिंपल है बट बहुत टेस्टी बनाते हैं। ये देखिए मसाला चिकन, कुछ भी नहीं डाला हुआ, एक सेकंड। आपने जो सब्जी बनाई है फिनिशिंग कर दी उसकी? धनिया वनिया तो कुछ डाला नहीं ना, गरम मसाला, फिनिशिंग इनसे जला हुआ तो चिकन है, फिनिशिंग होनी रही। जल गया चिकन? और तड़ी तो ऐसे मार रहे थे कि मैं तो तेको रेस्ट देना चाहता हूँ, और ये और अब नहीं हो सकता, वो चिपका पड़ा है सारा, मसाला ही नहीं है उसमें, मसाला वो चावल के साथ खाने वाला नहीं है उसमें, रत्ती जरा भी। वो पता है बेटा ड्राई बना है, ड्राई खाने वाला, वो तो ठीक है, अब कुछ तो पुलाव खा लो ना, गरम तो कर दो, तो तुम वैसे ड्राई खा लो उसको। वो ड्राई खा लेंगे, अब गरम तो कर दो पुलाव। अच्छा वो भी मैं करूँ, आई एम ऑन रेस्ट खाने के लिए। पनीर डाल दो थोड़ा सा, तुम दोनों एक दिन नहीं दे सकते मुझे आराम के लिए? डाल देता हूँ 15-20 मिनट बाद, मतलब 15-20 मिनट में बच्चा भूख से मर जाए। हमने हम भी भूख से आते हैं भाई, हमें भी भूख। तुम्हारे हाथ पांव हैं, तुम उठ के ले सकते हो। उसके भी हाथ पांव हैं, हाथ तो। हाँ, उसको छोड़ो ना जरा, सारा सामान उसकी पहुंच में रखो ना, फिर देखो वो कुछ छोड़ती है नहीं छोड़ती, बंदा भी खा जाए वो। ठीक है ना, जा रही थी अंदर, देखा मशीन भी हो चुकी है और यहाँ पानी भी है, और ये बड़ी बदतमीज लड़की है, ये पानी ये वाला भी पी जाती है। मैं जरा थोड़ा सा संभालती हूँ, कपड़े सुखाती हूँ, ले आई हूँ मैं इसको इधर। अब पापा बेटा अपना खाना कर लेंगे, 10 बज चुके हैं, वो लोग तो अभी पता नहीं कुछ वीडियोस वगैरह देख रहे हैं दोनों बाप बेटा, तो वो खा लेंगे। दिया का मैसेज आ चुका है, वो जहाँ पे उसको पार्टी में जाना था वो जा चुकी है। तो पहली बार लाइफ में फ्रेंड्स के साथ ऐसे
कुछ सेलिब्रेशन करने गए हैं, तो होप करती हूँ कि इन्जॉय करें अच्छे से, अच्छी तरह से बस वापस आ जाए। क्योंकि एज़ पेरेंट्स ना थोड़ा सा डर लगता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। मेरे को ये नहीं है कि लड़की गई है इसलिए डर, मैं अगर समृद्ध भी जाएगा ना तो भी मैं ऐसे ही डरूंगी। तो सुबह आएगी तो उसके बाद उसका पूरा एक्सपीरियंस पूछूंगी। मैंने उसको बोला भी था कि जब रेडी होके निकलोगे तो अपनी फ़ोटोज़ भेजना, 10 बार मुझसे पूछ चुके हैं दया से बात हुई, दया से बात हुई। अब बच्चे को क्या बोलें यार, बच्चा कहता है कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, सारी ज़िंदगी थोड़ी आपकी उंगली पकड़ के चलूँगी। कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा, यही सोच के साथ उसे भेजा है, बस सुबह आ जाएगी। तो चलिए गुड बाय शुड बाय भी कर लेते हैं। नींद ऐसा सच तो नहीं आ रही है पर सिर भारी है, तो होपफुली नींद आ जाएगी। कल मॉर्निंग में इन्होंने मुझसे कहा है कि पहले दांत वाले डॉक्टर के पास जाना। अब देखो यार सुबह होती ही लेट है, डॉक्टर कहाँ मिलते हैं 12:30-1 बजे के करीब। कल बस समृद्ध की छुट्टी है तो मैं सोच रही हूँ कि अगर टाइम से उठ गई तो एक बार हो जाऊँगी डॉक्टर के पास, क्योंकि ना इससे पहले कि ये बिगड़ जाए सारा तो दिखा जाती हूँ कुछ, अगर क्लीनिंग वगैरह करके सही हो जाता है। क्योंकि दवाइयाँ खा खा के मैं पक जाती हूँ यार, पहले एलर्जी की खा रही थी, परमात्मा एक के बाद एक दवाइयाँ दवाइयाँ दवाइयाँ, ज़िंदगी में बस दवाई कंपलसरी रह गई है और कुछ तो है नहीं। चलिए चलते हैं, गुड बाय, कल मिलते हैं अच्छी सेहत अच्छे दिन और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ साथ बनाए रखिए, हमने थोड़ा सा आगे बढ़ना शुरू किया है, ऐसे ही बढ़ते रहें तो अच्छा है। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, हरप्रीत जी, पूजा जी और जितने भी लोग मैसेज कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों के सपोर्ट के साथ आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाता है, थैंक यू दिल से। चलिए कल मिलते हैं फिर, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय।